अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो ट्रिक करने जा रहे हैं वही सेलिब्रिटी प्रोडक्ट, कि हम किस तरह सेलिब्रिटी प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान ट्रिक है, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड, मतलब जो भी कंपाउंड उसका KSP फाइंड करना है हमें, तो हम किस तरह KSP फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसको डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम देते हैं, मतलब एक होता है AB2 टाइप कंपाउंड, दूसरा होता है A2B टाइप कंपाउंड, और फिर होता है AB3, AB4, A2B3 etc, जो भी है, ठीक है ना। तो KSP का ट्रिक है x^x.y^y, और जो सेलिब्रिटी प्रोडक्ट है ना s x+y। ओके, तो अब KSP अगर हम फाइंड करें, हमारे साथ हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम फाइंड करें AGCL के लिए, ठीक है, AGCL है, MGCL 2 है, फिर उसके बाद हमारे साथ A3B2 है, और फिर उसके बाद हमारे साथ BA OH Hol2 है। ठीक है, हम वन बाय वन फाइंड करते हैं KSP की किस तरह फाइंड कर सकते हैं। एक्स और वाई रो रेशोज है, बस अगर हम AGCL के लिए फाइंड करना चाहें KSP, तो इसमें AG और CL के दरमियान रेशो क्या है, 1:1 है, ठीक है, क्या है, 1:1। तो x की जगह भी 1, ऊपर भी x की जगह 1, मल्टीप्लाई y की जगह भी 1 और ऊपर भी y की जगह 1, s अपनी जगह, और यहाँ पर 1+1=2। तो KSP हमारे साथ आ गई क्या, s², ठीक है ना। ये तो हो गया वन टाइप कंपाउंड। फिर इसके बाद अगर हम फाइंड करें MgCl2 के लिए, ठीक है ना, तो MgCl2 के लिए ये रेशो क्या है, ये 1:2 है ना, Mg 1 है और Cl कितने है, 2 है। तो मतलब ये हमारे साथ KSP किस चीज़ के बराबर होगी इस केस में, KSP एस इक्वल टू, हमें पता है कि x^x y^y, तो x अब यहाँ पर 1 है, तो 1^1.2^2, ठीक है ना, y हमारे साथ 2^2, और s/1+2=3। तो KSP हमारे साथ आ गया क्या, 1/2 2^2=4 s³। तो KSP ऐसे कंपाउंड जिसका रेशो 1:2 हो, तो उसका जो KSP है वो हमारे साथ है 4s³, ठीक है ना। ये किस तरह, अगर हम अपने कोर्स बुक को उठा लाए, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह हुआ है। इस एग्जांपल को देखिए, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 ion व्हेन सॉलिड PbSO4 इज एडेड टू वाटर, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbSO4 इज। तो अगर हम अभी कंसंट्रेशन फाइंड करना चाहे, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, ये हमारे साथ PbSO4 है, ठीक है ना, PbSO4। तो PB मतलब 1, ठीक है ना, और SO4 भी हमारे साथ क्या है, वो भी 1 है, ठीक है ना। SO4 तो आयन है, SO4 सल्फेट, ठीक है ना, ये भी 1 है, ठीक है। तो 1:1 है, और 1:1 के लिए जो डायरेक्ट ट्रिक अगर हमने अप्लाई किया तो s² आता था, KSP = s², यहाँ पर देखे KSP = what s², तो KSP अगर हम यहाँ पर बुक में देखें, या बुक में क्या है, KSP = s XX है ना, तो x² या s, मैंने s से ज़ाहिर किया, तो आप x से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं, अगर आप s से ज़ाहिर करना चाहो या x से ज़ाहिर करना चाहो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो अब अगर हम इससे Pb+2 पाना चाहें, तो वो बराबर होगा x² के यहाँ पर जो हमने लिखा है। तो इस तरह से डायरेक्ट ये जो तमाम प्रोसेस है, इससे आप बच सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के क्वेश्चन में। ओके, फिर उसके बाद A3B2 टाइप का कंपाउंड है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ऐसा करना है BaOH2, ये भी 1:2 है, ये 3:2 है, ठीक है ना। 3:2 के लिए क्या करना है, KSP = 3 है हमारे साथ, 3:2 है, तो 3^3 2^2 एंड s^2+3=5, ठीक है ना। तो KSP हमारे साथ आ गया क्या, 3 3 9, 2 2 4 और s^5। KSP = 9 4 36 s^5, ठीक है ना। तो हमारे साथ KSP, अगर हम इससे s की वैल्यू फाइंड करना चाहे, मतलब ये तो KSP की वैल्यू, अगर हम s की वैल्यू फाइंड करना चाहे, तो हम फिर अंडर रूट लेंगे, मतलब KSP / 36 यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू
अंडर रूट 5, तो ये उसकी वैल्यू है। तो ये तो हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई ऐसा बात बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये KSP ट्रिक था कि हमने किस तरह पॉइंट करना है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, KSP इक्वल टू एक्स पावर एक्स वाई पावर वाई एस, ये आप एक्स पे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी, जस्ट मैंने आपको क्या किया याद दिलाया, अगर आप भूल गए हो आप उन्हें सीख लिया होगा, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए जिसको नहीं पता था, तो उम्मीद है कुछ हेल्प हुआ होगा। ऐसे बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक लगता था बच्चों को कि हम ये किस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो KSP का जो प्रॉब्लम था वो मुकम्मल सॉल्व हो गया। अब KSP पर जो भी MCQ आएगा आप कर सकते हैं, अगर कोई MCQ हो तो आप कमेंट में ड्रॉप करें। ओके, थैंक यू, बाय।